बस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए जो बस है ना वो यहाँ पर 30 रुपये चार्ज कर रही है, शायद वो यही वाली बस है, अभी आपको कैमरे में दिख जाएगी। तो कैसे हो गाइस आप लोग, आई होप अच्छे से होगे और वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। एक बात मुझे पता है कि आपको अब इस चैनल के ऊपर जो है थोड़ा सा रेगुलर व्लॉग देखने की आदत हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं क्या कर रहा था कि डेली एक दिन छोड़ने के, डेली तो नहीं मतलब एक दिन छोड़ने के बाद अगले दिन आपको व्लॉग मिल रहा था, लेकिन अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो के अंदर ना आज मैं आपको 1.5 साल पीछे लेकर जाऊंगा। मतलब कैसे लेकर जाऊंगा वो, उसके लिए तो भाई आप वीडियो में बने रहो। और जहाँ तक बात रही, मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि भाई जो है मैं नैनीताल जाने वाला हूँ, तो देखो उसको मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया है, भाई भगवान की मेहरबानी है। देखो मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं नैनीताल जाऊँ ना तो वहाँ पर स्नो पड़ी हो, और स्नो पड़ने ही वाली थी कल परसों के दिन, और मेरा पूरा प्लान बन गया था जाने का, लेकिन स्नो वहाँ पर पड़ी नहीं है। तो मैं जाऊँगा तो ज़रूर, हो सकता है कल परसों अगले दिन भाई जैसी स्नो पड़ती मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। मौसम तो यहाँ पर ठंडा हो रहा है, बारिश वाला सीन है ही, और यहाँ से वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। मेरे घर से नैनीताल जो है लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास है, तो उसका मैं सोच रहा हूँ तब आपको दिखाऊँ, क्योंकि भाई अगर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ अच्छे से, वहाँ पर मैं कुछ दिन बिताऊँगा, तो मैं भी चाह रहा हूँ यार आपको जो नजारे हैं वो थोड़े से अच्छे मिल जाए। वैसे आप में से अगर कोई एनिमल लवर है या फिर इसको कैट पसंद है तो एक बार मेरी ये जंगली बिल्ली भी देख लो यार। मतलब लोगों को इंटरेस्ट होता है ज्यादा पालतू क्यूट सी बिल्ली पालने का, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्ली जितनी भयानक दिखे ना उसको देखने में उतना ही मजा आता है। और इसकी पता है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसकी, पहले तो इसके थोड़े नज़ारे ले लो आप। इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमने इसको 3-4 महीने पाला और उसके बाद ये चली गई, और फिर ये आई लगभग, पता नहीं मेरे को सही से याद नहीं है, 7-8 महीनों के बाद तो ये वापस आई है। तो पता नहीं यार ये कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन बड़ी खुशी हुई इसको वापस से देख के। और मेरी मम्मी बोलती है कि जब बिल्लियाँ ऐसा करती है ना तो इसका मतलब बिल्लियाँ उस समय पर नहा रही होती हैं, तो इस समय जो है इसका नहाने का ही काम चल रहा है। अरे यार इधर भी देख ले, लोग तेरे को देखना चाह रहे हैं। अरे वाह, तो दूध वूध ये पीती है मज़े से, और इससे भी यार अच्छा ही टाइम पास हो जाता है। मतलब मैं अभी डॉगी तो है नहीं घर में, तो जितने मज़े हैं हम इससे ही ले लेते हैं। बाकी इसकी शक्ल आपको भयानक लग रही है नहीं लग रही है ये बताओ, मुझे तो यार भयानक दिखने वाली बिल्लियाँ ही पसंद आती हैं। और जहाँ तक बात रही इस वीडियो में मैं आपको कैसे 1.5 साल पीछे लेकर जाने वाला हूँ, तो देखो आज से ना 1 साल पहले मतलब 2019 में शायद सितंबर अक्टूबर का महीना था वो, तब मैं गया था अपने यूट्यूब के पहले इवेंट में। मैंने इवन इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो भी डाली थी, आपको याद होगा अगर आप लोग हम उससे जुड़े हो पूरी तरीके से, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो है व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उस समय मैंने व्लॉग डाला नहीं था। अब उसके पीछे क्या रीज़न था वो मेरे को भी याद नहीं है सही से, लेकिन शायद मेरे को सही से टाइम नहीं मिल पाया था, और उसके बाद जो है मैंने वो व्लॉग डाला ही नहीं। लेकिन अब मुझे लगा कि क्यों ना आपको मैं नैनीताल वाली अपडेट भी दे दूँ, और क्यों ना आपको एक पुराना व्लॉग भी दिखा दिया जाए, तो इस वीडियो के अंदर आपको वही देखने को मिलेगा। और वो व्लॉग ना थोड़ा 1.5 साल पुराना है, तो उस टाइम पर मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मतलब कैमरे के सामने मैं शायद उतना फ्रेंडली नहीं हूँ जितना अभी था। हालांकि व्लॉग डालने का तो अभी भी मेरे को इतना कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हो आप कुछ मैंने बना दिया। तो उस वीडियो को आप लोग देखो, और बाकी नैनीताल के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे ही स्नो वाला सीन बनता है सीधा मैं वहाँ पर जाऊँगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार कल परसों तक सीन बन जाए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि जो है चैनल के ऊपर ज़्यादा लंबा टाइम मैं ऐसे डालूँ कि वीडियो ना आ पाए, क्योंकि मुझे पता है आपको भी वीडियो देखने में या फिर कॉन्टेंट देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब वैसे तो हमारे चैनल की प्रथा ये रहती है कि यहाँ पर जो वीडियोस है वो काफ़ी लेट आती है, मतलब महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में, बट रिसेंटली मैंने चैनल पर अपनी एक वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देख भी ली होगी अगर आप लोग चैनल पर मतलब वीडियोस देखते हो, जहाँ पर मैंने बताया था कि मैं कैसे रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ। लेकिन आज ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, और गाइस ये मेरा पहला यूट्यूब का इवेंट होने वाला है। यूट्यूब करते हुए आपको पता है मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं, आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से देख भी रहे हो, लेकिन ये मेरा पहला इवेंट है यूट्यूब पॉपअप स्पेस, जो कि दिल्ली में है। आप लोगों को पता है कि मैं नोएडा में रहता हूँ, तो फिलहाल मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ नोएडा से, देखते हैं कैसे जुगाड़ करके जाते हैं। सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा, आप लोग भी इसे एक्सपीरियंस करोगे, और वीडियो ये आज काफ़ी कमाल की होने वाली है। सो गाइस फाइनली मैं वहाँ पर आ चुका हूँ जहाँ मुझे आना था, एलॉफ्ट होटल में, एरो सिटी में ये है, मेट्रो से मैं जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं करने के आया हूँ। देखो ये यूट्यूब का एक पॉपअप इवेंट है, मतलब यहाँ पर मतलब जिस वर्कशॉप के लिए मैं आया हूँ वो ग्रीन स्क्रीन वाली, मतलब यहाँ पर सिखाएंगे कि जो आपकी वीडियो क्वालिटी है आप उसको कैसे अच्छा कर सकते हो यूट्यूब की, मतलब एक यूट्यूबर को जो बातें पता होनी चाहिए वो यहाँ पर ही बताएंगे। अभी देखो रजिस्ट्रेशन होगा अभी शायद 12:30 बजे से, मैं थोड़ा सा 15 मिनट जल्दी आ चुका हूँ, तो तब तक मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, और उसके बाद हम अंदर चलेंगे, और उसके बाद आपको मैं दिखाऊँगा अंदर का सारा नज़ारा।
अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, अंदर जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी जा नहीं रहा हूँ। और आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताया था, मतलब ये जो जहाँ पर मैं आया हूँ वो वर्कशॉप होने वाली ग्रीन स्क्रीन की। ग्रीन स्क्रीन आपको पता है कि एडिटिंग पर्पज़ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसे मैं यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में कुछ डिटेल में बात होगी। और वैसे गाइस मेरा आने का यहाँ पर ज़्यादा मोटिव ये नहीं था कि मैं कुछ सीखने आया हूँ, बल्कि इसलिए आया था मैं कि क्योंकि मैंने अभी तक यूट्यूब पर कोई इवेंट अटेंड नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और अभी तो वैसे मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर बोर होने वाला हूँ, लेकिन अंदर चल के देखता हूँ कि क्या मैं वीडियो के लिए इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ। फाइनली जो इवेंट है वो खत्म हो चुका है, मतलब सच बताऊँ तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर था, लेकिन एक गड़बड़ थी कि यार देखो अगर कोई बंदा आ रहा है तो हो सकता है उसकी पूरी यूट्यूब की टीम हो, जैसे वैसे मैं काम तो अकेला करता हूँ लेकिन मेरे साथ दो और बंदे थे, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई एक बार अंदर एंट्री लेने में, लेकिन उसके बाद सब कुछ वहाँ पर खाना वगैरह मैं काफ़ी सारे नए लोगों से मिला, बट मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि उनके साथ बातों में बिजी था। और जो पूरी वर्कशॉप थी मतलब ग्रीन स्क्रीन वाली, शायद आपको मैंने क्लिप्स दिखाई होंगी बीच में, तो वो काफ़ी अच्छी थी। ये कह सकता हूँ कि पहला इवेंट था मेरा, मतलब मज़ा आया, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन में सोचा था कि बेकार होगा उतना भी बेकार नहीं था। शुरू में थोड़ा सा बेकार लगा बट बाद में सब कुछ सही था, इवेंट खत्म हो गया है, अब मैं फाइनली बाहर के निकल रहा हूँ, और अगर कुछ और होगा वीडियो में बताने के लिए तो वो भी आप लोगों को दिखी जाएगा। तो गाइस होटल से तो मैं बाहर आ चुका हूँ, लेकिन एक मुझे बहुत ही अजीब बात लगी, पीछे जो आपको नज़ारा दिख रहा है, और अब थोड़ा सा आगे भी देखो, बस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए जो बस है ना वो यहाँ पर 30 रुपये चार्ज कर रही है, शायद वो यही वाली बस है, अभी आपको कैमरे में दिख जाएगी। मतलब यार मैं अपने आगे बात करूँ ना तो 20 या 25 किलोमीटर आप लोग इतने रुपए में आराम से पहुँच जाओगे, लेकिन ये वाली वो बस है, अभी आपको दिखेगी ये, शायद यही वो बस है। मतलब इतना सा अगर आपको ट्रैवल करना है तो यहाँ पे उसके 30 रुपये हैं सिर्फ 1 किलोमीटर। अब मुझे नहीं पता है लूट मचाने वाली चीज़ है या फिर ये जगह ही इतनी महंगी है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब ट्रैवल का आपको खर्चा देना पड़ रहा है। तो ऐसी जगह पर अगर आप आ रहे हो स्पेशली यहाँ पर एरो सिटी में, तो यार अगर कम डिस्टेंस है ना तो पैदल ही जाओ, आपका भी बड़ा भला हो जाएगा, आपकी जो हेल्थ फिटनेस है वो भी सही रहेगी, इनको ज़्यादा पैसे मत देना। आ चुका हूँ घर, मतलब पूरा दिन था लगभग अभी 6 बज रहे, उसके बाद मुझे वीडियो भी शूट करनी है, मतलब जो आप लोग मेन चैनल पर देखते हो, तो मतलब मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं इस वीडियो को अच्छा बना पाऊँ, लेकिन सब बताऊँ तो वहाँ पर जाकर मुझे कुछ इतना खास मिला नहीं। तो फिर भी अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो तो आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस चैनल पर मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में कौन मतलब मेरे क्या क्या गियर्स हैं, क्या कैमरा है, क्या माइक मैं यूज़ करता हूँ, सारी वो बातें। तो अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस चैनल पर अगली वीडियो हम किस पर बनाएं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर काफ़ी रेगुलर वीडियोस बनाऊं। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके अपना प्यार आप बरसा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग मेन चैनल यानी रसल चैटर से आए, ये एक दूसरा चैनल है, कहीं खो मत जाना कि ये वही चैनल है, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि इस तरह का कंटेंट मतलब जो भी आप लोग मेरे से रिलेटेड जानना चाहते हो या फिर जो भी मुझे लगता है इंटरेस्टिंग करना चाहिए वो चैनल पर होगा। तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और मैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में मिलता हूँ और इस चैनल की हमारी ट्रेडमार्क लाइन, तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना कि जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।